चुप सोचका, बस अब और मत। लेकिन अगर ये कुछ महत्वपूर्ण है, चलो। कुत्ता कहाँ है? लोग कहते हैं कि बिल्लियों और कुत्तों के पास हमारे पास न होने वाली छठी संवेदना होती है। खैर, वे हमारे इंसानों से अनेक प्रकार की चीजें महसूस करते हैं। मुझे उसे अंदर आने देना चाहिए। मॉम और मैं रात के खाने से पहले घर पर होंगी। कृपया चेवसोका को उसका खाना देने की याद रखें। मुझे वह पसंद है। अरे, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं यह विश्वास नहीं कर सकता। अब तुम छठी संवेदना में विश्वास करते हो क्या तुम? हाँ, सिर्फ हाँ। ऐसा लगता है कि चेवसोका के लिए ये भूख की एक भावना है। मैं उसे कितना भोजन देना चाहिए? देखो, ये सब उस चार्ट पर लिखा हुआ है। चूसोका कितनी कूड़ी है? ओह, मैं मतलब ये कितने किलोग्राम? मुझे नहीं पता। और हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं? हम इंतजार करेंगे चूपीसोका। यही हम एक आपके पापा के ऑफिस में खड़ा आप है। सही है, चलो चलते हैं। मुझे सोच रहा था, क्या आपकी माँ को परेशान करता है कि केवल आपके पिता के पास अपना ऑफिस है और ना, माँ कहती है कि उनका अपना कार्यालय है, इसे वे रसोई नाम देती हैं। अरे देखो, वहाँ तराजू है। क्या आप जानते हैं कि मानवों का ऐसा स्केल 7000 से अधिक वर्षों से रहा है? अलविदा। अगर हमें जानना है कि किसी चीज का वजन कितना है, तो हमें इसे उस चीज के साथ तुलना करनी होगी जिसका वजन हम पहले से जानते हैं। मान लीजिए आपको एक तरबूज का वजन नापना है। तुमने इसे तराजू के थाली पर रखा और यह नीचे गिर गया। अब तुम दूसरी तरफ वजन जोड़ते रहो जब तक दोनों बाजू बराबर नहीं हो जाते। वाह, ये वाला बहुत भारी है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि वजन 10 किलोग्राम है, इसका मतलब है कि तरबूज 10 किलो का है। और यही होता है एक स्केल का सरल तरीके से काम करना। खैर, क्या हम शुरू करें? चूसो का सही है, जैसे कि वह दौड़ती हुई आने वाली है। तुम उसे उस बैग से कैसे दूर करोगे? हाँ, मुझे पता है कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। यहाँ जब मैं पहन रहा हूँ, तो इस छोटे से खाने के टुकड़े को पकड़ो। यह छोटा हो सकता है, लेकिन यह बहुत भारी है। उसका वजन 2 किलोग्राम है। ठीक है, अब हम चेवसोका को खिला सकते हैं। चेवसोका 2 किलोग्राम का है, तो 2 कप बिल्कुल सही होंगे। क्या आपको लगता है कि आप अपने पालतू जानवरों को किसी भी प्रकार का भोजन दे सकते हैं? अरे नहीं, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए पालतू जानवरों को भी मानवों की तरह पोषण युक्त आहार की आवश्यकता होती है। आजकल पक्षियों, मछलियों, कुत्तों, बिल्लियों और सभी प्रकार के अन्य पालतू जानवरों के लिए विशेष पालतू खाद्य पदार्थ हैं। ये खाद्य पदार्थ वो सब कुछ से बने हैं जो आपके पालतू जानवरों को स्वस्थ रहने की जरूरत होती है, जैसे मांस, मछली, फल, अनाज, सब्जियां और विटामिन। ये प्रकार के खाद्य पदार्थ पालतुओं को संतुलित आहार देते हैं और इन्हें पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खाने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें एक कटोरे में डाल दें और आपका कुत्ता खुश हो जाएगा, और आपकी बिल्ली भी, और आपका पक्षी भी, और आपकी मछली भी। बस ध्यान दें कि उन्हें मिलाना नहीं, क्योंकि जो मछली के लिए अच्छा है वह कुत्ते के लिए अच्छा नहीं है। प्रत्येक जानवर को उसका खास भोजन चाहिए। अलविदा। रुको, क्या गलत है? क्या हुआ? तुम्हें एक टुकड़ा निकालना होगा, उसने पहले ही ये खा लिया है। हम ठीक है। तो ये छठी संवेदना है, आप अभी भी सोचते हैं कि ये सच है ना?